हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हमारे वायनाड सीरीज के डे 3 एपिसोड में। डे 3 में हम कवर करेंगे बनासुरा सागर डैम, स्पाइस गार्डन और जिप लाइनिंग। और क्योंकि ये हमारा लास्ट डे है एट वायनाड, तो घूमेंगे, फिरेंगे, खाएंगे, मस्ती करेंगे और क्या। हमारा पहला स्पॉट था बनासुरा सागर डैम। बनासुरा डैम विजिट करने के टाइमिंग्स हैं सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। यहाँ की एंट्री फी है 40 रुपीज, जो आपको टिकट काउंटर से खरीदनी पड़ेगी। यहाँ बहुत सारे एक्टिविटीज भी हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, बोटिंग, कायाकिंग, ज़िपलाइनिंग वगैरह। उसके लिए एंट्री के बाद अंदर में इंडिविजुअल काउंटर्स हैं जहाँ से आप एक्टिविटीज की अलग टिकट खरीद सकते हैं। एंट्रेंस से डैम तक नियरली 1 किलोमीटर का रास्ता है। आप चल के जा सकते हैं या फिर बैटरी ऑपरेटेड कार्स भी अवेलेबल हैं, जो कि आप 50 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से ले सकते हैं। बनासुरा सागर डैम इंडिया की लार्जेस्ट अर्थ डैम है एंड एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड है। रिजर्वॉयर के बीच छोटे छोटे आइलैंड्स और बैकग्राउंड में बनासुरा हिल्स, ये सच में आपका दिल जीत लेंगे। मन ही नहीं करेगा आपको वापस जाने का, पर आप जाना जरूर और वायनाड की बाकी सुंदर जगह भी एक्सप्लोर कर लेना। डैम से लौटते वक्त हमने विजिट किया बनासुरा स्पाइस गार्डन, जो डैम से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक वेल मेंटेन्ड गवर्नमेंट अफिलियेटेड गार्डन है एंड यहाँ गाइड्स अवेलेबल है जो आपको डिटेल में स्पाइसेस के बारे में बताएंगे और उनके यूसेज के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी देंगे। इलायची और काली मिर्च तो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में, पर आपने कभी इसका पेड़ देखा है? ये देखिए, इलायची जमीन पर उगती है और ये है हमारी काली मिर्च बहना। आहा, इनकी फ्रेश खुशबू की तो बात ही निराली है। हमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में भी पता चला, जैसे मधुनाशिनी, इंसुलिन प्लांट वगैरह, जो कि डायबिटीज की दवाइयों में इस्तेमाल होती है। इनकी अपनी शॉप भी है जहां से आप स्पाइसेस, नेचुरल एंड हर्बल प्रोडक्ट्स, कॉफी, चॉकलेट्स वगैरह खरीद सकते हैं। हम ये प्रोडक्ट्स अभी यूज कर रहे हैं एंड काफी अच्छे हैं सारे। स्पाइसेस की स्मेल एंड टेस्ट कॉमर्शियल मार्केट प्रोडक्ट से हटके है एंड ये हर्बल प्रोडक्ट्स की भी अपनी एक फ्रेश फील है। ये प्रोडक्ट्स थोड़ी एक्सपेंसिव साइड है, बट वर्थ इट है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। ये है बैम्बू राइस, जो बैम्बू के पेड़ पर उगती है वंस इन 40 इयर्स। इसके बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं और इसकी खीर वायनाड में बहुत फेमस है और हर जगह मिलती है, तो आप ट्राई जरूर करना। घूम फिर के अब हम आ गए Y3 लंच करने इंडिया गेट रेस्टोरेंट में। हम दोपहर 1:30 बजे तरफ यहाँ पहुंचे थे एंड क्योंकि ये संडे वाला दिन था एंड पीक लंच आवर भी था, तो काफी रश थी यहाँ पे। हमने ऑर्डर किया था फिश थाली और अपना फेवरेट केला पराठा और मालाबार चिकन। सच बताऊं, सोल सूदिंग कंफर्ट फूड जो होता है ना, वो यही था एंड वो भी ओनली 600 रुपीज में। इसके बाद हमने सोचा थोड़ा एडवेंचर ही ट्राई कर लेते हैं, तो हम आगे कलपेटा में मडी बूट्स ज़िपलाइनिंग ट्राई करने। यहाँ की ज़िपलाइन वायनाड की सबसे लॉन्गेस्ट ज़िपलाइन है। हमें तो बड़ा मजा आ गया था चाय के बागानों के बीच में ज़िपलाइन करने में। एक्सप्रेशन तो आप देख ही सकते हैं, इतनी खुशी। और हाँ, इसकी टिकट थी 400 रुपीज पर पर्सन। और टी प्लांटेशंस के बीच में ये रही मैं अपना फेक बॉलीवुड शॉट देते हुए, ला 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 ला। और इसके साथ होती है हमारी वायनाड की ट्रिप खत्म। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, हमने हमारी वायनाड की आइटिनरी आपके साथ शेयर की है। और हाँ,
जब भी आप वायनाड में हो, यहाँ की लोकल कुजीन आप ज़रूर ट्राई करना। अप्पम, अवियल, पुट्टू, इनकी टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होती है। कम मसालेदार बट फ्लेवर से भरपूर, ये आपकी बहुत अच्छी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए किस्से के साथ। अगर आपको हमारी चैनल पसंद आई, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।